नमायं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जोर रे हाथ उठेगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन के शील प्रभुपाद की निताय गौर की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो आज एक कार्तिक मासरे ए शुभ दिन रे डुमरी मुंडा अधिवासी भक्त मानक द्वारा आयोजित गोटे दिन पाई जो भक्त संघ आयोजन करा हुई अछि ते उत्सव रे उपस्थित समस्त सज्जन भक्त मंडली मातृमंडली पितृमंडली भाई और भौणी माने आपण मानको उपस्थिति पाई मु समस्त को आंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कन प्रधान कार्यालय श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर तरफरु अभिनंदन जनाऊँची एवं धन्यवाद जनाऊँची। तो भगवत कथा श्रवण प्रारंभ रे मु मोर परमाराध्य गुरुपाद पद्म अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादंकर अन्यतम कृपाधन्य इस्कन रो अन्यतम गुरु एवं इस्कन नाम हटर विश्व प्रचारक मंत्री एवं नाम हट इस्कन अन्यतम गवर्निंग बॉडी कमिश्नर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीम जय पताका स्वामी श्रील गुरुदेव पाद पद्मरे दंडवत प्रणति निवेदन करुछि एवं तांकर अहेतुक कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। मोर परमाराध्य परम गुरु पाद पद्म अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादंक पाद पद्मरे दंडवत प्रणति निवेदन करुछि एवं तांकर अहेतुक कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। उपस्थित समस्त सज्जन भक्तमंडली मातृमंडली पितृमंडली भाई और भौणी माने आपण मानक पादरे प्रणाम निवेदन करी आपण मानकर अहेतुक आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। हरे कृष्ण। तो केते जन मायापुर जाइछन्ते नवद्वीप नदिया नवद्वीप जाइछन्ते अल्प तो नदिया नवद्वीप खूब सुंदर स्थान जोटा को कहा गुप्त वृंदावन वृंदावन अभिन्न होचे नवद्वीप धाम जो नवद्वीप धाम स्वयं श्रीमती राधाराणी सृष्टि करिछन्ते कृष्ण
আমি জগন্নাথ ভগবান কু জানিছে যে সবু কিছির সৃষ্টিকর্তা কেত জন মানন্তি ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা সবু কিছির কেত জন মানন্তি সমস্তে অনেকে মানন্তি নি হাত উঠেকি জনাইবে যে মু মানে যে ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা তাহলে যে মানে হাত উঠু না মানন্তি নি ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা আমি মানু ন মানু ভগবান সৃষ্টিকর্তা হ্যাঁ কি না সমস্তে মানন্তি আপনারা ভক্ত সেইপাই সমস্তে মানুষ কিন্তু নবদ্বীপ ধামর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী রাধারাণী সে নিজে কৃষ্ণ সহিত মিলিত হবে যেত কৃষ্ণ বিরজাঙ্ক কুঞ্জরে লে তো রাধারাণী যেত জানলে যে কৃষ্ণ বিরজাঙ্ক কুঞ্জরে রয়েছেন সেত রাধারাণী তাঁকর বহু সখী মানুষ নিয়ে যেত আসলে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেলে আর বিরজা সখী নদী রূপ ধারণ করলে তো কৃষ্ণ বিরহরে রাধারাণী কন কলে না নবকুঞ্জ তৈরি কলে নবকুঞ্জ এমনি তৈরি কলে নটা দ্বীপ কুঞ্জ এবং দ্বীপ নবদ্বীপ সেইপা নবদ্বীপ কুহে আমি অনেক সময় গাঁ গহলি নবকুঞ্জ নাম শুনেছি সমস্তে নবকুঞ্জ তো সে নবকুঞ্জ হচ্ছে নবদ্বীপ বুঝিপারছেন তো রাধারাণী নবকুঞ্জ তৈরি করছেন খুব সুন্দর নদী গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থল এবং সুন্দর সুন্দর পক্ষী পশু এবং পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা সুরভিত একদম এত সুন্দর কুঞ্জ তৈরি করছেন এবং রাধারাণী নিজে বংশী বজাইবাই আরম্ভ করছেন তো রাধারাণী বংশী বজাই কৃষ্ণকে তাঁকর গুণকীর্তন করছেন তো সেতবে কৃষ্ণ আসিকি উপস্থিত হয়েছেন এবং সেতবে কৃষ্ণ রাধা সহিত সে আলোচনা করছেন যে এই যে নবকুঞ্জ তুমি সৃষ্টি করছ এই নবদ্বীপরে যদি কেহি আসিকি তোমার এবং মোর নাম একত্র যুগল নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এই নাম করতে তাহলে সে প্রেম লাভ করবে আমার প্রিয় হবে এবং সে ধামক ফেরি আসিপারে সেইপাই অত্যন্ত সেই গোপনীয় নবদ্বীপ ধাম সেই স্থানরে গোটে রাত্রি যদি বাস করবে যাইকি অন্যান্য তীর্থরে দশ হাজার বর্ষ বাস করিবার সমান গোটে রাত্রি অনেক সময় বহু লোক কিছু পুণ্যকর্ম করা চাহাতে যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার আমার কাহার শক্তি না যুধিষ্ঠির মহারাজ করলে কিন্তু অন্য মানব সমাজের বর্তমান কি করিপারে পারিবে কিন্তু অনন্ত সংগীতার কুয়া হয়েছে নবদ্বীপ ধামের যদি গোটি পাদ সে যদি পকু পকু আউ গোটে পাদ পকাতে তার মানে প্রতি পদক্ষেপরে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞর ফল পাইবে কিন্তু যে ভক্ত সে এই যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ পুণ্যকর্ম অনিত্য ফল কামনা করতে কিন্তু নবদ্বীপ ধামর মহিমা এমিতিকা আমি কোটি কোটি টঙ্কা খরচ করি অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পুণ্য লাভ করিবার স্বর্গলোককে যাবার দরকার নাই প্রয়োজন হয় না কিন্তু কেবল নবদ্বীপ ধামের প্রতি পদক্ষেপের এই ফল মিলে যায় এমিতিকা জায়গা কিন্তু ভগবান কিন্তু মো ধামে এই নবদ্বীপ ধাম হচ্ছে ঔদার্য ধাম ভগবান হচ্ছেন কৃপা সাগর সে কৃপাময় ভগবান ঔদার্য প্রেমময় তো সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পাপি তাপি যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল কেবল হরিনাম দিয়ে সমস্ত প্রেম ভক্তি দিয়েছেন কিন্তু না এই কলিযুগরে ভগবান নামে এই বিশেষ কলিযুগরে ভগবান নাম মধ্যে ভগবান প্রেমক দিয়েছেন অন্যান্য যুগরে ভগবান না মুক্তি লা তো সেইপা ভগবান আগে আমি সমস্ত কোথাও যে তারক ব্রহ্ম নাম অনেক সময় তারক ব্রহ্ম অন্যান্য ভগবান নামক কুয়া হয় তারক ব্রহ্ম সেটার মুক্তি হব তারণ হব কিন্তু এই
राधाकृष्ण ये कलिजुगर ये विशेष कलिजुगर जे महामंत्र गुलकर प्रेमधन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एटा को कहा जे पारक माने प्रेममय नाम एटा कले पारक ब्रह्म एटा होचे प्रेम ब्रह्म प्रेम भक्ति लाभ हम इतिपाई भगवान बहु नाम रही हाँ समस्त नाम मध्य शक्ति अच्छी किंतु ये कृष्ण नाम ये हरे कृष्ण महामंत्र षोल नाम बत्रीस अक्षर मंत्र मध्य विशेष ये कलिजुगरे भगवान प्रेम को देख रखिंट तो से चैतन्य महाप्रभु रूप से राधाकृष्ण मिलित तनु गौरांग ये आसिक रही आपण गाँ को आसमरी मुंडा हाँ ठीक चल आस नीताय गौर नित्यानंद प्रभु अच्छा बलराम आर गौरांग होती कृष्ण जेई गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ हाँ वैदिक शास्त्र रे वर्णना कराई तो से गौरांग महाप्रभु से होती स्वयं जगन्नाथ कृष्ण भक्त भाव अंगीकार करके आस भगवान कृष्ण जो द्वापर युगरे आसते शेषे गीतार ज्ञान दौले गीतार सबुठ गुज्यतम ज्ञान अर्जुन को देकि कहले आसले अर्जुन को दौले आम को देवाई कलिजुगर लोक देवाई भगवान जी गीतार ज्ञान दे केवल कलिजुगर मनीष मानक लक्ष्य कर अर्जुन को द्वारा आम को शिक्षा दे तो भगवान सर्वगुज्यतम भूय श्रेणुमे परमं वच परम माने श्रेष्ठ वाक्य श्रेष्ठ मोर कथा हाँ गुज्यतम हाँ गुज्य गुज्यतर गुज्यतम से गुज्यतम कथा मुझे कौच कौन मनमना भव मद भक्त मज्जाजी मां नमस्कुरु हाँ एवं शेष कौन कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं ब्रज सबकि त्याग करके मो चरण से आश्रय ग्रहण कर सबु धर्म हाँ कपट धर्म छल धर्म भागवत कहा जे पृथ्वीते आछे जत धर्म धर्म नामे चले भागवत कहे स परिपूर्ण छले आजिकल आम छल धर्म अभिमान करके भक्ति धर्म को बंद कर देचे भक्ति धर्म को ग्रहण करूँ से भगवान अरिष्टासुर को बध करसुर जानते नाम वृंदावन रे भगवान अरिष्टासुर को बध करसुर ये छल धर्म प्रतिनिधित्व करूँ हाँ आम जीवन रे केते बेले आमे छल धर्म कपट धर्म को प्रकृत अभिमान बशत एटाई धर्म कहीकिरी आमे जे जीवर स्वरूप हुए कृष्णर नित्य दास तांको सेवा करिबा आमर परम कर्तव्य सेटा आमे भूली जाइछे कहीं भगवत गीता रे कृष्ण कहउछन्ति ममाई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन जी मोर नित्य विभिन्न अंश सनातन माने नित्य तेणु नित्य अंश जीवर कर्तव्य भगवान सेवा करवा हाँ तर अंश हिसाब से कितु आम तर सेवा ही हूँ परम धर्म से भागवत प्रथम स्कंधरे द्वितीय अध्याय दिव्य भाव दिव्य सेवा विषय वस्तु हाँ भगवान प्रतिनिधि सुत गोस्वामी से कहते हाँ जे सबई पुंसाम पर धर्म समस्त मनीषंर परम धर्म श्रेष्ठ धर्म सेटा जतो भक्तिर अधुक्ष जे इंद्रिय ज्ञानर अतीत जे भगवान तांकर सेवा करिबा होची जीवर परम धर्म अन्य किछि ना धर्म कहले भगवान सेवा को बुझाणी अच्छे अन्य किछि ना से धर्महीन मनीष पशु भी नरानं जेतले से भगवान सेवा करे ना जीवन नपि मृत ही स जीवित है कि मृत कि आम आमर भक्ति धर्म कृष्णकर सेवा को त्याग करी आम छल धर्म अभिमान करचे हाँ विभिन्न तथाकथित समाज रे जे सब धर्म बाहरी से गुड़िक अभिमान करटाई श्रेष्ठ तो से आम हृदय युड़िक रही तेणु भगवान कृष्ण आविर्भूत होरिष्टासुर के बध कले हाँ अरिष्टासुर षंड रूप धारण कर षंड जानते से अरिष्टासुर गोटे असुर षंड रूप धारण कर अहंकार षंड रूप से अहंकार बशत से कौन कर वृंदावन रे गोपी मानू ब्रजवासी मानू से एमती चित्कार करुच्ची खुर रे माटी को ताड़ुची आर एमती कर्कस आवाज करुच्ची मु श्रेष्ठ ये जगत रे मोठ आउ कई श्रेष्ठ ना हाँ ये षंड असुर अरिष्ट असुर
कंस पठेइछि वृंदावन को जा कृष्ण को बध कर जाइ वृंदावन वासी को जाकर कौन कर ना ताको कष्ट दियो ए भलिया चित्कार करछि माने गर्जनटा एमिति करछि जेमिति से होछि श्रेष्ठ अरिष्टासुर षंड रूप धारण करछि ते अरिष्टासुर काही कि षंड एहेतिला गर्ग संगीत रे कहाइछि आम जानिछु देवगुरु बृहस्पति तांकर जने शिष्य थिले बरतंतु ए बरतंतु द्विजशतम बरतंतु ए सब समय विद्या पाठ अभ्यास करथांती तांको गुरु होचंती बृहस्पति तांको पाखरे जाकी प्रतिदिन विद्या अभ्यास करंती तो गोटे दिन बृहस्पति को सामना रे जाकी बरतंतु ब्राह्मण पिला से कौन करछि ना षंड जे भलिया बसे सुई पड़े बा बसे तो सी भलिया तार पद को प्रसारण करी से बसी पड़छे षंड भलिया हेगिले तो गुरुजन को सामना रे बसीबा जदि भूल हुए सेटा अपराध हुए तो सेतरे से षंड भलिया बसी तो सेते बेले बृहस्पति कहले तू षंड भलिया कौन बसछु तू षंड हो जा तो ब्राह्मण तो देवगुरु बृहस्पति ब्राह्मण कही देते अभिशाप दे तो षंड हो जा तो से बरतंतु जा प्रार्थना कर गुरुदेव मोर भूल हो जाए आपण क्षमार सगर दया करूँ मत तो मोर अपराध हो जाए कहले देख मु तो कही पकी तुम्हें तो षंड हब तो तुम्हें षंड भी तुम्हें जो क्षमा चाहच अवश्य तुम्हें परम मंगल तुम्हें लाभ कर पार तो द्वापर युगर कृष्ण गोपी मान को ले एवं ब्रजवासी मान को नहीं से लीला विलास करेंगे स्वयं भगवान ब्रजेन्द्र नंदन नंद नंदन जशोदा नंदन कृष्ण तो से लीला करने समय तुम्हें षंड रूप धारण करके ब्रजवासी मान को ऊपर उत्पात सृष्टि कर खूब कर्क शब्द कर खुर देकर मटी को ताड़ तो यह निजक श्रेष्ठ भाव में प्रकाश कर आक्रमण करने चेष्टा कर तो कृष्ण इच्छा करुथिले गोटे समय रे जे से गोपी मान सहित मिसापाई रासलीला करने तो ठीक ता पूर्व मुहूर्त तुम्हें या से को हैरान कर कष्ट दब जा तो यही वृषासुर अरिष्टासुर तो कृष्ण बलराम से जेतेबेले लीला विलास कर गोपी मान सहित कृष्ण मिसिबे ठीक ता पूर्व मुहूर्त से आसिक अरिष्टासुर षंड रूप धारण करके ये भाया चित्कार करदम मु श्रेष्ठ हाँ ये जगत एकदम सबकि भक्ति ठाकुर कहते वर्तमान समाज में तथाकथित धर्म लोक मैंने चित्कार करटा ही श्रेष्ठ आउ कौन सी धर्म ना तो जीवर परम धर्म जे कृष्ण सेवा से बंद करी अहंकार अभिमान बशत हाँ हिंदू धर्म बड़ मुसलमान धर्म बड़ ख्रीस्टान धर्म बड़ अनुकूल धर्म बड़ साई बाबा धर्म बड़ बालब्रह्मचारी धर्म बड़ के धर्म आम याचे एटा ही श्रेष्ठ गाँ गहली सब जगह चित्कार कर माइक लगे अभिमान करचार करेंगे मुझे जा फंपानी कोरापुट जिलार फंपानी जगार तो से सारथी बाबार दलर लोक एकदम गर्जन करी कह या ही श्रेष्ठ से ही भगवान मुझे कहली से भगवान जेल को जी कि दिन पर आप सब जानते कह हाँ से अवैध क्रीड़ा करती तुम्हें जाणिन हाँ से समस्त मद खाती तुम्हें जाणिन आम जानचु कमें समस्त जाणी जाइ हाँ ये कहीकिने माइक बंद कर दूसरी बारंबार फोन कर बड़ बड़ जगार फोन कर कहीं ये रखम कहल जे से गर्जन करटा ही श्रेष्ठ तो यही अभिमान बशत अपधर्म गुड़िक जेटा जीवर धर्म परमेश्वर भगवान कृष्ण के सेवा करवा सेटा को बाद देखिए तथाकथित तो लोक भगवान साजिबे जाकर गर्जन कर भगवान यटा धर्म तो यहाँ अरिष्टासुर से भगवान कृष्ण आम जी तक ग्रहण करवा प्रकृतर ताल कपट धर्म मुक्त हो पार तो से भगवान शुद्ध भक्त मान को पठाती गीता भागवतर प्रकृत शिक्षा को प्रकाश करती
तो ये अरिष्टासुर को भगवान हाँ कौन कले ना जो गोपी मैने गोप बालक मैने गोपी मैने ब्रजवासी मैने से मैंने कष्ट पाइले यार गर्जन शुणिकी हाँ से कृष्ण कृष्ण आरकम कह चित्कार कर डाकुं कहीं समस्त ब्रजवासी मैंने कृष्ण तर प्राण कृष्ण किए से जानते कृष्ण जानते आम प्राण स्वाभाविक भाव कृष्ण से मैंने भल पाँच जे कृष्ण तुम्हें आमको रक्षा कर तो कृष्ण से आसिक कमर में हाँ गोटे उत्तरीय बांधिले बांधिकी गोटे सखार कांधरे हाथ दे ढड़ा हेले अरिष्टासुर सामने ए पा मान बंद कर कथा कहले डिस्टर्ब तो अरिष्टासुर कृष्ण को देखी आहरी रागी जा तार लाल आखि देखा तार बड़ बड़ कुज रही तार सिंह कान ये सब नहीं विराट गर्जन कर बड़ बड़ सिंह नहीं कौन कर कृष्ण को देखुची एकदम भयर आखि देखा तू मो सामने ये भाया ढड़ा हो तू मजा देखी तते यहाँ कहीकि अरिष्टासुर जमी इंद्र वज्र निक्षेप कले के द्रुत आसे ठीक वज्र निक्षेप भाया द्रुत एकदम कृष्ण आड़क आसिक्त हो कृष्ण को से बध कर तार सिंह एकदम हाँ नहीं निशाना करके आसी तो संगे संगे कृष्ण तार दुईटा सिंह को धरिकी एकदम जमी दुईटा बड़ बड़ हाथी हाँ ठेलाठेली करती तो कृष्ण ठीक से भाया आस अरिष्टासुर सहित ठेलिकी एकदम बहु दूर को ठेली देती पुणी जा पुणी रागिक गर्जन कर कृष्ण जो चिंता कले ये तो बदमाश तार दुईटा सिंह को धरिकी जमी कपड़ा काचा हुए धुबा कपड़ा काचे ना आपण मैंने कपड़ा काचती पथर में तो कृष्ण कौन कले हाँ तार दुईटा सिंह को धरिकी सी विशाल आकर्षक छुई था भाया तार देहटा ताकू धरिकी कृष्ण केते छोट हाँ सात वर्ष तलर जिनस सात वर्ष तार सिंह दुटा को धरिकी कपड़ा काचवा भाया हाँ आछाड़ मारि मारिकी बध करदे आ रक्त बमी कर से प्राण त्याग कला से देवता मैंने हाँ सुंदर बृष्टि प्रदान कले हाँ पुष्प बृष्टि ते असुर ये आमर गोटे अनर्थ हाँ कौन अनर्थ ना ये छलधर्म आम मध्य प्रवेश कर अभिमान होकर आम भक्ति जीवर स्वरूप हूँ कृष्ण कर दास से त्याग करवा से अरिष्टासुर आम जीवन में आम जी निजे कृष्ण दास सेवा न करो किसी करवा तो सेटा कह अरिष्टासुर भाया आम हृदय आमको कौन करा कृष्ण कोठु आमको दूर को नहीं जाऊँगी ये एक अनर्थ जार कौन मूल्य ना आम जीवन में बारंबार चक्र घूरवा पड़ो तो कृष्ण तो यहाँ बध कले तो कृष्ण तो चाहते गोपी मान सहित मिसबे तो से राधाराणी पाखक गले राधाराणी संगे संगे कह अरे कृष्ण तुम्हें आमको स्पर्श कर ना कहीं तुम्हें हाँ गोवध कर ये वृष को बध कर कृष्ण कह हसिक अरे सी तो असुर कह असुर हेले भी सी तो गोटे हाँ षंड रूप धारण करके आसला तेणु तुम्हें मारल तुम्हें आमको स्पर्श कर रकम पुराण में कोड़ेटा श्लोक रही खूब सुंदर ये कृष्ण एवं गोपी मान सहित परिहास केमी हो कृष्ण कहले तेले कौन है मु तुमको स्पर्श करी तो समस्त राधाराणी कहले गोपी मान को लेकर एक साथ अनेक गोपी छिड़ा ही कहले तुम्हें जदि जगत समस्त तीर्थर जा स्नान करके आसब पवित्र हब से आमको स्पर्श कर नचे आमको स्पर्श कर तो कृष्ण तो स्वयं भगवान से कह मत कहीं सब तीर्थ को जाकर स्नान करवा पड़ो मु वृंदावन समस्त तीर्थ को आह्वान करी कृष्ण तो स्वयं भगवान तर सबकि अच्छे संगे संगे से स्मरण करवा मात्र सबू तीर्थ मैंने आसिक परिचय दे रेवा नदी मु जमुना मु गंगोत्री मु गया एरक कहीक समस्ते गदावरी के सब तीर्थ आसिक समग्र जगत रु स्वरूप प्रकट कर नदी रूप से हाँ दर्शन दे तो कृष्ण राधाराणी गोपी मान कह देख सब तीर्थ सामने आसी जाते राधाराणी कहे आम विश्वास करूना तुम्हें यहाँ मिथ्या कथा कह सब तीर्थ कहीं आम देखिपुनु
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ନଦୀ ରୂପରେ ବୋହିଛନ୍ତି। ତ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରିହାସ କରିକି, ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ସଖୀ ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ। ତ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଠାର କଲେ, ତୁମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପରିଚୟ ଦିଅ, ଯାଇକିରି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କର। ତ ସବୁ ତୀର୍ଥମାନେ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କରିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ଆପଣ ନଦୀ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ରେବା ନଦୀ, ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ, ଏବଂ କହିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ସେ ତାଙ୍କର ବାମ ଗୁଢ଼ାଳି, ଗୁଢ଼ାଳି କୁହାହୁଏ ଗୁଇଁଠି, ବାମ ଗୁଇଁଠି ଦେଇକିରି ସେଠି ମାଟିରେ ପଦାଘାତ କରିଥିଲେ। ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମନୋରମ କୁଣ୍ଡ। ଆର ଏଇ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ଆସିକିରି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଆର କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ନାନ କଲେ। ତ ସ୍ନାନ କଲେ ଗାଧୋଇଲେ, ଗାଧୋଇ ଆସିକି କହିଲେ ଏଥର ତାହେଲେ ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୁରକୁ ମାରିଥିଲ, ବିଷବଧ କରିଛ, ଗୋବଧ କରିଛ, ତୁମର ପାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିଛ, ସେସବୁ ପାପ ଏଇ କୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ରହିଯାଇଛି, ଅତେବେ ଆମେ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିବୁନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ବି ସ୍ନାନ କର। କହିଲେ ନା ନା, ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରିବୁ, ତୁମେ ଏଇ ବିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିକିରି ଏଠି ସ୍ନାନ କରୁଛ, ସବୁ ପାପ ସେଠି ରହିଯାଇଛି, ଆମେ କରିବୁନି। ତ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତୁମେ କୌଣସି ଜୀବନରେ ଧର୍ମକର୍ମ କରିନ, ତୁମେ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କର। ତ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କର ମାନ ହେଇଗଲା, ଅଭିମାନ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିନୁ, ଆମେ ବି ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିବା, ତୁମଠୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ କରିବା। ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅରିଷ୍ଟାସୁରକୁ ବଧ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅରିଷ୍ଟାସୁରର କ୍ଷୁର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇକି ଥିଲା, ତ ସେଠି କିଛି ନରମ ପାଣି ଥିଲା, ତ ସେ ମାଟି ଅଂଶଟା ନରମ ଥିଲା। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, କୃଷ୍ଣ ଯେଟା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡର ନାମ ଥିଲା ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ସେ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏଇ ବିଷାସୁରର ଅରିଷ୍ଟାସୁରର ଗୋଟେ ପାଦ କ୍ଷୁର ଥିଲା ଚିହ୍ନ। ତ ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ସେମାନେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ନିଜେ କଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ କଙ୍କଣ ଥିଲା ହାତରେ, କଙ୍କଣ ନେଇକିରି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ବି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଳିକି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଇଗଲା, କୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲ, କାହିଁ ତୁମର ପାଣି ନାହିଁ। ତ ରାଧାରାଣୀ ଖୁବ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଶତସହସ୍ର ସବୁ ଗୋପୀ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ମାନସୀ ଗଙ୍ଗାରୁ ସମସ୍ତ ପାଣି ଆଣିକି ଏଇଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ତ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ ପାଣି ଆଣିବ, ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ମୋ କୁଣ୍ଡରୁ ନିଅ। ବୋଲେ ନା ନା, ଆମେ ତୁମ କୁଣ୍ଡରୁ ନେବାନି, ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିବା। ତ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ସବୁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିକି କ୍ଷମା ଚାହ ଏବଂ କୁହ ଯେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, କୁହ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବ ତୀର୍ଥମାନେ ଯାଇ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧାରାଣୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ କହିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବହୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଯାଇକି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଏଭଳିଆ ଯାଇକିରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ତ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଥିଲା ଜଳ, ତ ସେଠି ଉଚ୍ଛଳିକିରି ସବୁ ତୀର୍ଥମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଇ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତୀର୍ଥରେ। ତ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି। ତ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆମର ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଗାଧୋଇବେ ସିଏ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଯାହା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କି ତ ଏଭଳିଆ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ଆବିର୍ଭାବ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗଲା। ବହୁଳା ଅଷ୍ଟମୀ, ବହୁଳା ଅଷ୍ଟମୀ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ତିଥିର ନାମ ହେଉଛି ବହୁଳା ଅଷ୍ଟମୀ। ତ ଆଜି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ବହୁ
पवित्र समस्त भगवान लीला दामोदर लीला हाँ हूँ ये कार्तिक मास रे भगवान गोटे लीला से लीलाटी हाँ होता कौन दिन जानते दीपावली दिन हाँ भगवान दामोदर लीला मान दामोदर नामकरण भगवान नामटा दामोदर है कौ दिन ठू ना जो दिन दीपावली थिला से दीपावली दिन माँ जशोदा कृष्ण को दुष्टामी बंधन करते रजु दे कि रजु संस्कृत शब्द हूँ दाम आदर को माँ जशोदा बांधिले से कृष्ण नाम हो गला कौन कौन हो गला दामोदर कहतु समझे दामोदर जोरे कहतु राधा दामोदर कहीं राधाराणी खुशी हमें तक सहित कृष्ण को कहले आईजे मसटा खूब पवित्र मास यसटार आराध्या होती राधाराणी नाम अनुसार हाँ ये व्रतर नाम हूँ ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत आ गोटे नाम हूँ ऊर्जा व्रत कहीं ना राधाराणी होती मसर आराध्या तेणु राधाराणी नाम अनुसार ऊर्जा व्रत तर गोटे नाम हूँ ऊर्जेश्वरी ऊर्जेश्वरी मान ऊर्जा शब्दर अर्थ हूँ शक्ति हाँ समस्त शक्तिर जे उत्स से राधाराणी गोटे नाम हूँ ऊर्जेश्वरी आम जे दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी ये सब शक्ति हाँ ये समस्त मूल शक्ति किए मूल उत्स कौटू राधाराणी पाखु बुझिपार राधाराणी पाखु समस्त शक्ति तत्व तो से नाम हूँ ऊर्जेश्वरी तेणु यही मसरे राधाराणी होती आराध्या राधाराणी खुशी हमें हाँ तक जोबले हाँ कृष्ण सहित पूजा करा हुए ये राधा कृष्ण आराधना करा हुए एवं कृष्ण खुशी हमें राधाराणी को जदि सहित रखिक पूजा करा हुए ये सारा विश्व वर्तमान हाँ इस्कन प्रतिष्ठा होती हाँ सारा विश्व इस्कन मान अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ जो विश्व जो संघर उद्देश्य हूँ समस्त को राधाकृष्णर सेवारे निजुक्त करवा नाम ग्रहण करवा कली जुगरे भगवान जुगल नाम से नीताई गौर आसिक प्रचार कले से जुगल नाम गौरांग महाप्रभु राधाकृष्ण स्वयं निजे हाँ राधाराणी भाव अंगकांति नहीं गौरांग महाप्रभु रूप से आसे आसिक भक्त भाव अंगीकार करके जगत शिखौंट जे राधाकृष्ण नाम कर हरे कृष्ण हरे हरा संबोधनार्थे हरे राधाराणी गोटे नाम हूँ हरा तेणु आम हरे कृष्ण राधा कृष्ण ये जुगल नाम यही कली जुगर जुगधर्म हाँ कीर्तन करुचु जहाद्वारा ये कली जुगरे प्रेम भक्ति लाभ हम प्रथम हरिनाम अभ्यास कले हाँ हरिनाम आभास आम सब पाप मुक्त होमती का ये नाम आभास कि जब आम परिपूर्ण भाव में निरअपराध जी नाम करवा तेल प्रेम भक्ति लाभ हम तो से चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु राधाकृष्ण मिलित तन रूप से हाँ से गौरांग रूप से आसिक ये कृष्ण नाम वितरण कले कहीं भक्त भाव ग्रहण कले भक्त भाव हमारे कारण कौन ना मुझी कृष्ण गीतारे कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मुक्षस्वामी माँ सुच कृष्ण ये कथा कहीकि अंतर्ध्यान लीला कले उपदेश देकरी कि कृष्ण गोलोक वृंदावन जाकि देखुं हाँ जे मृत्यु लोकरे लोक मैंने मुझे उपदेश देकर आसली ये कलिजुग लोक कौन मोर से उपदेश ग्रहण करुंच तो गोलोक वृंदावन भगवान देखुं तौक भगवान तो देखिक देखले जे कहीं मानुना तो भगवान चिंता कले से मैंने मानवे केमी मुझे तो आचरण करके देखा केमी करवाक पड़ो तेल मत जाकि पुणी जावाक पड़ो तेणु भगवान आउ बेले आसवापी इच्छा कले पुणी जीवि मुझे आचरण करी मोर भक्ति केमी करवाक पड़ो कहीं जीव मो सेवा कले तार मंगल हम तेणु से मोर सेवा केमी करवाक पड़ो से तो जान लें मुझे खाली कहली सब धर्म त्याग करके मोर आश्रय को आस कि मो आश्रय को आसबे केमिति केमिति भाव जीवे तो से गौरांग महाप्रभु रूप से आसिक से कौन कले ना हरिनाम दिया हृदय सुधिल जाचि गिया घरे घरे हरिनाम महामंत्र निजे कीर्तन कले
आउ जगत जाचि जाचिक देले हाँ समस्त को कहले जे तुम्हें सब हरिनाम कर आर ये हरिनाम ग्रहण करने द्वारा हृदय पवित्र हो गला। महाप्रभु जो पुरी रु दक्षिण भारत को जाते महाप्रभु दर्शन एवं ये नाम कीर्तन अंश ग्रहण करके लोक सब तर स्वरूप अधिष्ठित होते भक्त हो जाते सब वैष्णव परिणत होते कहीं जीव वैष्णव आम समस्त वैष्णव आम भूली जाइए जीव कथार अर्थ हूँ से कृष्ण दास वैष्णव मान से भगवान सेवक चाकर कितु आम भूली जाइए तेणु ये कृष्ण नाम कले आम पुणी आम स्वरूप को अधिष्ठित हो पार तो से गौरांग महाप्रभु से निजे आचरण करी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वितरण कले कहीं जड़ जगत आम जड़ विषय प्रति आसक्त कृष्ण को भूली जाइए आम जानिना कौनटा ठीक कौनटा बेठिक मान भूल आम समस्त ये जगत में रहीकि भावचे जड़ जगत में जे आम सुख पाचे ये ठीक सुख ठीक आनंद कि आम भूल जगार आम सुख चाहूचे शांति चाहूचे आनंद चाहूचे कि भूल जगार यहाँ चाहूचे गोटा सुंदर उपाख्यान अच्छी हाँ जड़े गोटे देशर राजा खूब महान राजा से आ गोटे देशर राजकन्या को बहुत कले तो बहुत करी राज्य को फेरिक आस तो फेरिक आसापर हाँ जेदिन बहुत बासर रात्रि बेलें हाँ राणी को ये राजा कौन कले ना गोटे 5 कोटी टंका गोटे रत्नमाला पिंधिदेले गलार पिंधिदेले पिंधिदे आलींगन कर तुमको खूब भल पाए आर यत्नमालाटा हाँ जत्न नब यहाँ 5 कोटी टंका जमी नष्ट न हुए हाँ जत्न नब तो राणी भाविले ओ 5 कोटी टंका मत के भल पाते राजा हाँ बहुत बासर दिन राजा यहाँ दे तो यह किसी दिन कालातिपात कर तो गोटे दिन राणी हाँ स्नान कर मैंने गाधोई गाधोक आसिक वस्त्र परित्याग करने समय आ गोटे वस्त्र पिंधे से रत्नमालाटा को खिड़की पाखे रखिंट तो खिड़की तो खोला थिला तो गोटे कुआ आसा आसिक कौन कर रत्नमालाटा को कामुड़ की नहीं पड़े जा तो राणी से क्रंदन करने को लगे तो राणी एत चित्कार कर क्रंदन कर मोर भल पाइबार जिनस मोर स्वामी मत राजा दे मत कही रक्षा करने मुझे से हव हव करके कांदुंट कि राजा शुणीपारे राणी कांदुंट तो राजा आसले कहीं कांदुच ना आपण कथा मुझे रक्षा कर पारि आप मत रत्नमाला दे 5 कोटी टंकार कहले तो कुआ नहीं पलिगला तो राजा हसी कहले ये गोटे छोट जिनस तुम्हें कांदुच तो मुझे तुमको 10 कोटी टंकार आ गए रत्नमाला बणी दौर बर्तमान ये 5 कोटी टंकार रत्नमाला एत कांदा शुभा पाए ना तुम्हें मो राणी कांदना मुझे तुमको 10 कोटी टंकार गोटे रत्नमाला बर्तमान बणी की दौर तो राणी कहले ना राजा तुम्हें जेहेतु मत भल पाइबार प्रथम बहुत बासर से ये रत्नमाला हाँ माला पिंधिदे निज हस्त एबे तुम्हें 10 कोटी टंकार रत्नमाला दे मोर आनंद हेनी मुझे मालाटा को चाहे तो राजा विड़म्बन में पड़गले से मालाटा कुआ नहीं पड़ जाए तो राजा तांको देशरे डेंगुरा देले डेंगुरा कहते हाँ नागरा देदेले तो नागरा देदेले जे यही मो राणी 5 कोटी टंकार रत्नमालाटी कुआ नहीं जाए से तो भोग कर फिंगिदेव जो व्यक्ति पाइबे प्रजा मैंने जदि मो राणी पाखे आसिक फेरत देवे तेल 10 कोटी टंका बक्सीस पाइबे तेल 5 कोटी टंका परिवर्तन 10 कोटी टंका किए नदब 5 कोटी टंका निश्चय फेर देदेवे तो यह राजा कहले तो सब राज्य लोक मैंने खोजाक लगे कि दिने गोटे युवक पिला हाँ देखुची सकाळ बेला 10टा समय से रास्ते जाऊ जाऊ हठात कर पोखरी जल को तार चखु आखिटा पड़ जाए देखुची पोखरी जल रे हाँ चिक चिक कर देख ला यहाँ राणी माँ को माला मुझे देखी थी हाँ पोखरी पाने पड़ी भाषुचे ये तो संगे संगे देख ला चारिदिग के देखीपर कि ना तो यहाँ पाईदे हाँ मुझे 10 कोटी टंका पाइबी ते लोभरे से कौन करा पोखरी को ओह्ल पोखरी को ओह्ल के जितने जाऊँ पोखरीटा बाली चूरा बाली जितने से ओह्लुची जलटा हेल्कि जाऊँ आर पादा तल को चली जाऊँ हाथ बढ़ू
हाँ से रत्नमालाटा नहीं पारुनि तो बारंबार उठिक आस लोक देखिए किए हाँ से पलैबे आगे उठिक आसिक देखु कई ना आगे ओल्हे पानी को ओल्हे आगे जलटा हेल्कि जाऊँगी हाथ बढ़ू रत्नमाला सर जा कौन से मत दसटा टू तीन टा पर्यंत ये कम कर दुर्बल हो जा खाई पी जाए तो हाँ दुर्बल धईस जा तो गोटे साधु जड़े साधु से पोखरी पाड़ी देखिए जाऊले से पिलाटा सेड़ा है कंपुची हाँ किचु किचु तार मन को देखिले तार मुह को आरे पिला तू ये क्लांत शांत हो कौन से जिनस खोजुचु ना कौन हाँ तो मुहर देखा मिलूँ तू कौन से जिनस अनुसंधान करुचु कहले ना 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 मु किसी खोजुनि साधु बाबा हाँ कहूनी मिथ्या कथा कहे साधु जान पकड़ ना ना तो मुहर जना पड़ी तू कि अन्वेषण करुच तुम्हें निश्चय किसी अन्वेषण कर खोजुच कह मु साधु तुम्हें जोटा खोजु मुझा ने हाँ मुह मु तुमको साय्य करें कहले देखु पोखरी पाने दे आम राणी मालाटा रत्नमालाटा पड़ी यहाँ पुआईदे राजा को 10 कोटी टाँह मिल सेटा मो सारा दिन धरिक खोजुची तो ऋषि हसिले कहले हे पुओ तू रत्नमाला ठीक ही खोजुचु कि भूल जगार खोजुचु कहले कहीं ओ तो पानी रही देखु कह हाँ रत्नमाला ठीक खोजुचु रत्नमाला ठीक भूल जगार खोजुचु ना ना ये पानी रही कहले देख ये गच्छा को देख गाल देख ओ डाल पड़ी मालाटा मालाटा सूर्य किरण रे छाईटा पड़ी से हाँ पोखरी जल रे तू भावुचु सेटा माला तू ठीक खोजुचु रत्नमाला कितु भूल जगार भूल जगार खोजुचु आर केश्रम हो तो ये जल यहाँ कहार उद्देश्य मोर ये जल जगत में भगवान कहीं आसले ना आम समस्ते सुख आनंद शांति खोजुचु कितु कौटू खोजुचु ना ठीक पोखरी पानी खोजुचु हाँ मालाटा गच्छे रही तार छाईटा को आम खोजुचु तो जड़ जगत रे छाया स्वरूप आनंद आम पाइबापी सुंदरी स्त्री बहुत करुचु हाँ टीवी नौचु बड़ बिल्डिंग बनाऊु केते टंका बैंक बैलेंस करने चेष्टा करुचु व्यवसाय करुचु केते किछि करुचु परिश्रम वैज्ञानिक उन्नति करुचु केवल सुख शांति आनंद पाई कि जड़ जगत ये पोखरी भाया छाई ये जड़ जगत में पड़ी गीतारे कृष्ण कहते हाँ चिन्मय जगतर से अस्वस्थ वृक्षर उल्टा जिनस चिन्मय जगत हूँ प्रकृत आनंद प्रकृत शांति प्रकृत सुख से वैकुंठ बिकुंठा कौन से उत्कंठा ना हताशा ना उद्वेग ना केवल आनंदम बुद्धिवर्धन श्री गोलोक वृंदावन वृंदावन मान आनंद सबु समय आनंद कहीं कृष्ण से कृष्ण मान आनंद तो कृष्ण को जी ग्रहण कर से आनंद पाइब तो से वृंदावनवासी सब समय कृष्ण कृष्ण देखते अरिष्टासुर आसिक उत्पात सृष्टि करें कृष्ण कृष्ण तो मैंने सब समय बाधा रही भी से कृष्ण को लेकर आनंद रही तेणु से कहुच्छे वृंदावन तेणु आमको बुझा पड़ब जे वृंदावन वैकुंठ हूँ नित्य आनंदमय जगह ये जड़ जगत हूँ जेलखाना जेलखाना आम जिते फास्ट क्लास कैदी होना कहीं जेल कहुचे ना फास्ट क्लास कैदी सेकेंड क्लास कैदी थर्ड क्लास कैदी गोटे सेल अच्छी फास्ट क्लास कैदी मान कि हाँ जो मैंने मंत्रिमंडल किसी बदमाशी करती कैदी मानने जेल रे पूरी दिया हुए सी जेल रे कौन करती से पेपर पढ़ती टीवी देखती बाथरूम अच्छी व्यक्तिगत कितु जेल भी घरे ना तो सीटा भल निज घर आ जेल भल जिते आम भल खाइबार रोना कहीं सीटा कष्ट हाँ तो सको फास्ट क्लास कैदी कह सेकेंड क्लास कैदी कौन ना गोटे घरे हाँ 20 जन गोटे बाथरूम बाथरूम दर्जा ना लाइट ना गोटे पंखा ये थर्ड क्लास कैदी हाँ सेकेंड क्लास थर्ड क्लास कैदी कौन ना सेल हाँ जोटी पायखाना कर मानने झाड़ा फेर परिश्रम कर सीटी खाइब से मशारी ना फैन ना हाँ एरक गोटे घर मथाटा को तौक कर सब समय एरक करके बस थो तो सीटा हूँ सेल मातृ जठटा हूँ सेल आम समस्ते गर्भर प्रवेश करछु मथाटा तौकू पादटा ऊपर को धनु को बसचे तो केते कष्ट तो आम कहीं जान पारुन ये जड़ जगतर अनित्य सुखटा को हाँ कुंडियाण सुख कुंडेवा को आमको आनंद हुए
ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡିଆ ନ ହୁଏ ଆମେ କୁଣ୍ଡୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କୁଣ୍ଡୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା କରେ, ଘା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଠିକ ସେ ପିଲାଟା ରତ୍ନମାଳା ଖୋଜୁଥିଲା, ପାଇଲା କେଉଁଠୁ? ଅରିଜିନାଲ ଗଛରେ ଥିଲା, ପୋଖରୀରେ ନଥିଲା। ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ, ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରୁ ଏଇଟା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଆଭାସ ମାତ୍ର, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର। ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଭାବୁଛେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଜୀବନର କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚରଣକୁ, ନିଜେ କହିକିରି କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କର, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ନେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁଖରେ କହିବା, କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା, ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନିତ୍ୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବିତ ହେଉଛୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା, ଏଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ନିତ୍ୟ ନାମ, ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣି ଆଚରି ଧର୍ମ ଶିଖା ମୁଁ ସବାରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଚରଣ ନା କହିଲେ ଆମର ଶିଖାନ ନ ଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଆଚରଣ ନ କରିବି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ସେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଲେ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା? ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯେମିତି କିଏ ଚାକିରି କରେ, ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ଚାକିରି କରନ୍ତି କେହି, ତାର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସରକାର ଆଇନଟାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ନିଜ ମତରେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ତାହେଲେ ସରକାର ତାକୁ ଲାଠି ମାରିଦେବେ, ହଁ ତାର ଚାକିରି ଡିମୋସନ୍ ହେଇଯିବ, ଯା ହଁ ଚାକିରି କରିବାର ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତୋତେ କୁହାହେଇଛି 10ଟାରୁ 4ଟାରେ ଆସିବୁ, ଆଉ ତୁ ଆସୁଛୁ 3:30ରେ, 4ଟାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ହଁ ମୂର୍ଖ, ଚାକିରି କରିବାର ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯା। ତାହେଲେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲା? ହଁ ସରକାର ଆଇନ ମାନିଲେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମର କାହିଁକି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉନି? ଆମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କବୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେବ ଶରୀର ପାଉଛୁ, କବୁ ବର୍ତ୍ତେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆମେ କେମିତିକା ଶରୀର ପାଇଛେ? କେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଧନୀ ଗରିବ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ପାଉନ, ଅନ୍ଧ ଖୋଡ଼ା, ହଁ ବଧିର, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜନ୍ମମିତି ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛୁ, କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତ ଏ ମାୟା ତାରେ ଦେ ସଂସାରାଦି ଦୁଃଖ। ଯେଉଁଟା ନୁହେଁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ମୋର ବାପା, ଏଇଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ମୋର ମା, ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ସେଦିନ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବାପା ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନା? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଡାକିବେ, ଆଜି ଆମର ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ। ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଖଟରେ, ପଲଙ୍କରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ଖଟରେ ସେ ଖଟରେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ହଁ ତୁମ ବାପା ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କହିଲ ତୁମ ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛେ କି ମିଥ୍ୟା କଥା? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ମୋର ଦେହ, ଆମେ କେହି କହୁନୁ ମୁଁ ଦେହ, କେହି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଦେହ? କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଦେହ ନା ମୋର ଦେହ କହୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? କେହି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏ ଦେହର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ମୁସଲିମ, ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଝିଅ, ମୁଁ ପୁଅ, ହଁ ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଗରିବ, ଏଇସବୁ କହିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏ ଦେହ ନୁହେଁ। ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ, ଏ ଦେହର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ତାର ଚାକର ଆର ସେକ୍ରେଟାରୀକି ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଅଫିସକୁ, ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଧନୀ ଲୋକଟା ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍ ମରିଗଲା।
ଆଉ ତାର ଚାକର ଆର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଛଟପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବେ? ଯିଏ ଛଟପଟ କରୁଛି ଚାକର ଆର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାହେଲେ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟା ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାକରର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେ ମାଲିକ ତା ଟଙ୍କା ପଇସା କେତେ ସେ ଧନୀ ତାର ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେମାନେ ଧନୀ ହେଇକିରି ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଦେହର ଆତ୍ମା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଧନୀ ଲୋକଟାର। ଏବେ ଚାକରର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି କେମିତିକା, ଚାକର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମାରାମାରି କରୁଛେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ମୁସଲିମ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ, ମୁଁ ବିଜେପି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସୀ, ମୁଁ ତୃଣମୂଲ, କେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହୁଛେ, ଠିକ ମାରାମାରି କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଦେହର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ସାରା ଜଗତରେ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଦେହର ପରିଚୟ। ଆମେ ଦେହ ନୁହଁ, ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଗୀତା ନ ପଢ଼ିକିରି ଭାଗବତ ନେଇକିରି ରାସଲୀଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଆଗେ ଗୀତା ଶୁଣିକି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ କ'ଣ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଚାହେଁ ନା କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ମୁଁ ରୋଗ ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୀତାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୀତାରୁ ଆଗେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହଁ, ଭଗବାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ଦରକାର, ଜଡ଼ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୀତାରେ ପାଞ୍ଚଟା ମୌଳିକ ବିଷୟ ରହିଛି, ମୂଳ ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ, ହଁ, ଭଗବାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମ ସେଠି ତିନି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଅକର୍ମ। ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ନା କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଓବାଦୀ ନା କି କହେ, ମାଓବାଦୀ, ମାଓବାଦୀମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର କର୍ମ, ଏଇଟା ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆମର ଧର୍ମ, ହଁ, ଆମର ସୁଟ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା, ମାରିଦେବା, ଏଇଟା ଆମର କର୍ମ, ଏଇଟା ଧର୍ମ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛେ? ସେତେବେଳେ କହୁନି ନା, ନା ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କହୁନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କେଉଁ କର୍ମ ଧର୍ମ? ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ନ, ଯଜ୍ଞ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେବ ସେଇଟା ଧର୍ମ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମ ନ କରିବା, କାହିଁକି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାଷବାସ, ରାନ୍ଧିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, କଥା କହିବା, ଚାଲିବା, ସବୁ କର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଦେହ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ କର୍ମ ନ କରିକିରି, ତାଙ୍କ ସେବା ନ କରିକିରି ଆମେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ବନ୍ଧନ କ'ଣ ନା, କଭୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ମାନେ ଦେବଲୋକକୁ ଯାଉଛେ, କଭୁ ମର୍ତ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଦେହ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ଦେହ ଆମେ ଲାଭ କରୁଛେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଇତିପୂର୍ବେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ? ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି କାହିଁକି ମୁଁ ଗରିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ଅନ୍ଧ, କାହିଁକି ମୁଁ ମହିଳା, କାହିଁକି ମୁଁ ପୁରୁଷ, କାହିଁକି ମୁଁ ଧନୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁ କର୍ମ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ। କର୍ମ ନା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୁର ଦେହ ଉପପତେ, ଜନ୍ତୁମାନେ ଜୀବ ତାର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏ ଦେହ ପାଇଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକଟୁ ଆଗେ କହୁଥିଲି, ଜଣେ ଚାକିରି କରେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଚାକିରି କରିଛି, ଟଙ୍କା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ପାଳନ କଲାନି, ତାର କର୍ମ ଥିଲା ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା ଯିବା, ସେଟା ତାର କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମ କଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ସାଢ଼େ ତିନିଟାରେ ଯିମି, ଚାରିଟାରେ ଆସିମି, ତାର କର୍ମର କ'ଣ ହେଲା, ଡିମୋସନ ହେଇଗଲ। ସେ ଥିଲେ ଖୁଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ବାଙ୍ଗଲୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ, ବାଙ୍ଗଲୁ ନେଇନେଲେ, ଗାଡ଼ି ନେଇନେଲେ, ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମର ଡିମୋସନ ହେଇଗଲ। ତାହେଲେ ସେଇ ଏତେ ଅହଂକାର ଥିଲା, କମିଗଲା। ଠିକ୍ ସେବେଳେ ଆମେ ଧନୀ ଗରିବ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ମହିଳା ପୁରୁଷ, ଯାହା କିଛି ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ଏବେ ଯେ କର୍ମ କରିବା, ପରେ ସେଇ ଭଳି ଆମର ଶରୀର ହେବ। ସେଇଟା ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ ତଜନ୍ତେ ଅନ୍ତେ କଲେବରମ ତଂ ତମେବ ଇତି କମ୍ତେ ଅସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ଯେମିତି ଜଳଭର ଭରତ ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭରତ ମହାରାଜ, ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭାରତବର୍ଷ। ତି ଭରତ ମହାରାଜ ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ,
तो तपस्या करवा समय राज्य को त्याग करी तपस्या कर गोटे हरिणी माँ हरिणी गर्भवती थिला तो बाघ गोटे गर्जन करछि गर्जन करवा द्वारा माँ हरिणी को भय पाई गंडुकी नदी खरस्रोता थिला खूब स्रोत तो भयरे से झाप दे दी तो सेठी पड़ी जा रहा झपास करके गोटे शब्द है तो से गंडुकी नदी कूल भरत महाराज तपस्या करते ध्यान भंग हो जाए शब्द शुणिक देखले गोटे माँ हरिणी स्रोतर भाषुचे आ तार पचर गोटे छोट पिला हरिणी छटपट छटपट कर माँ हरिणी से पड़कर मृत्युबरण कर तो भरत महाराज दौड़ी जा छुटी जा से पिला हरिणीटा को धरनी आस रक्षा कर आश्रम नहीं रखिदेसि घर त्याग कले तपस्या करने कि हरिणी पिला प्रति आसक्ति होकर उधार कले हाँ नहीं आसिले नहीं आसिक लालन पालन कले तो तपस्या कौन है आस्ते आस्ते हरिणी प्रति आसक्ति हाँ हरिणी कौन खाइब हरिणी कौन बाघ मान जदि बण को जारी हो जाऊ कहे हो हरिणी कौन आसलानी कहीं से मो आश्रय रही कि बाघ खाई ना कौन ये सब चिंतार ग्रस्त हरिणी 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 पिला कथा व्यस्त हाँ आ तपस्या ना तो बयस हो जाए मृत्यु शज्जा शुत हो जाए हरिणी को लेकर कूल पाखे रोकुं आ मझे मैं चिंता करिणी दूर को चली गले कौटी गला ये हरिणी चिंता आ से हरिणी चिंतार मृत्यु हो मुणी मो हरिणी किए देख मुगले किए देख किए खुआब एवं करिणी हरिणी कहकर देहत्याग गीतार जेन विज्ञान मान प्राक्टिकाल बास्तव कथा कहुच तार प्रमाण जे जंग जंग बापी स्मरण भावम त्यजंते अंते कलेवरम तंग तमेव इति कौंतेय सदा तद्भाव भावित जे भावनार आम देहत्याग करवा भगवान प्रकृतिर नियम आमको सही रकम गोटे शरीर पुणी प्रदान करदे तो हरिणी हरिणी कह चिंता करवा द्वारा हाँ तार हरिणी पिला होकर पुणी जन्म हाक पड़ा किंतु जेहेतु से तपस्या करते हाँ जातिस्मर होते तेणु भगवान कर नाम कले कौन क्षय बय ना गीतार द्वितीय अध्याय 40 नंबर श्लोक भगवान नेहा विकमन नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमापी अश्य धर्मस्य त्रायते महत भयात हाँ जे स्वल्प मात्रा जदि कि हरिभजन करिथिव तेबे भी सेटा नष्ट हबनी सेटा संचित रहिबो किंतु कर्म ज्ञान जुग से गुड़िक नष्ट हेजिबो किंतु भक्तिर प्रभावटा ए भलिया भगवत सेवाटा ए भलिया भगवानकर सेवा करले सेटा संचय हेकि रहे पुणी आमको सहाय्य करे सेटा भगवान निजे कहुचंति स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात महा विपद रक्षा करे अजामिल पुत्र ना नारायण उच्चारण करछि हाँ भयरे जमदूत मान भयरे किंतु भगवान आसिक विष्णुदूत मान रक्षा करते स्वल्पमपि अस्य धर्म तेणु भगवान सहित जोड़ी हेले आम सुरक्षा पाइबा सेवार जुक्त हेले से कह भक्ति जोग हाँ आम माइनास करदे भगवान आमको निजक व्यजुक्त करदे आम तर अंश जमी मोर देहर हाथटा हूँ अंश कि हाथटा जी देह विजुक्त होयोग तेल हाथर कौन से मूल्य रार अस्तित्व रही से जिते जुड़ी रुक्त रत शक्ति पाइब आम कहीं एमती बारंबार कष्ट पाचे ना आम भगवान कोठु जोड़े रहूनु जोड़े रहा मान नुह एक जीवा। भगवान हो जा नुहे सहित जुक्त हवा मानने सेवार निजुक्त रहा जमी हाथ कर्तव्य हो देहर सेवार लगे सब समय पाद देहर सेवार लगे आखि देहर सेवार लगे किंतु आम जी कह आखि कह मु देह हो ना से भाया भगवान आ जीव पार्थक्य भाया जीव हूँ भक्त वैष्णव तांकर अंश होता हेतु सेवा करवा दरकार कि सेवा बाद दे कि आम कौन करछु ना मायार सेवा करछु अनित्य वस्तु सेवा करछु जेटा नुहे हाँ जेटा नुहे से आम सेवा करा चेष्टा करछु तो से जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास एथिपाई गीता भागवत शिक्षा साधु संगरे आमको शुणिकी उपलब्धि करके भगवान को सहित जोड़ी हवा दरकार से शिला प्रभुपाद इस्कन प्रतिष्ठा करा विश्व लोक ये महाप्रभुकर शिक्षा को से प्रदान कर घरे घरे देश देश को जाक मान बड़ बड़ वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर ये समस्त पाखक प्रभुपाद जा
बड़ बड़ धनी लोक पाखक भी जा समस्त लोक सारा विश्वर सहर से जा आमेरिका आफ्रिका जो मैंने गोरु रक्त खाऊ मनुष्य मनुष्य खाऊ मद पीते द्रुत क्रीड़ा करते जिते सब अधर्मर काम भागवत प्रथम स्कंदे परीक्षित महाराज कोली को देती चारिटा स्थान जोटी द्रुत क्रीड़ा हे जो नेशा हे जो अवैध संघ हे जो जीव हत्या हे सी कली रधर्मर काम पाप हाँ तो पाश्चात्य देशर आमेरिका इत्यादि देश में लोक मैंने युव कर्म व्यस्त जमी आम देश को ब्रिटिश आसिक आक्रमण कर शासन करें सब कुअभ्यास शिखे भारतवासी को मद खाओ मांस खाओ चा खाओ सिगरेट खाओ बिना पैसा से भारतवासी मानक आर आम से खाई अभ्यस्त हो जाए आमर नित्य धर्म जो कृष्ण सेवा से भूली जाए भूली जाकर पाश्चात्य कुसंस्कार को ग्रहण कर नहीं ना ना सिगरेट खाइबा दरकार तार शरीर इमेज आसबनी हाँ शक्ति आसबनी ताजा हेनी मनटा सिगारेट लेखा अच्छे आम स्कूल कलेज पढ़ीचु ज्ञान अर्जन करूँ डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक नेता हो किंतु लेखा अच्छे स्मोकिंग इंडस्ट्रियल हेल्थ देखुचे बीड़ी सिगारेट लेखा टाणुची पुओ झीक सामने रे माँ गर्भरे संतान रखीच बापा तुम्हें सिगारेट टाणुच से धूआ जा नाक दे कि पुओ पाक जाऊँ पंगु हो जन्म हो निजे लान्स फुटा हो जाऊँ गात हो जाऊँ लान्स कैंसर हो जाऊँ एवं आसिक डाक्टर सिगारेट खाइबनी हाँ मद खाइबनी मद पीबनी मांस खाइबनी एवं देखते हस्पिटाल केते लोक निरामिषाशी और केते लोक मांसाशी 99.9% लोक मत्स्य भुजी सिगारेट भुजी मद पाई से हस्पिटाल हाँ अल्प लोक निरामिष खाऊ ए तो आम विष दौचे हाँ तो किसी करार ना तेणु प्रकृतर नियम को पालवा दरकार मनीष मात्र प्रकृतिर नियम पालवा दरकार पशुपक्षी मैंने पालुंतर खाद्य जीटा से खाऊँ बाघ दूध भात खाए ना आसिक खाए बाघ छाना माखन खाए भात खाए हाँ कितना आम बाघर जिनसा को नहीं नौचे तेनाली जानू ओ पाश्चात्य कुसंस्कार को आम ग्रहण कर आम पितामाता आमको शिखे ना कि आगुरी आहरी आगुरी गीता भागवत शिक्षा पालुले लोक मैंने हाँ से जानी जी खराब यू जिनस तेणु गीता भागवत जिनस आज सारा विश्व लोक बुझे से माछ मांस दूर कथ पान बीड़ी पर्यंत चा पर्यंत खाऊ ना चारे निकोटीन कफिन अच्छी हाँ पान पत्र खाइबा निषिद्ध ना पान पत्र औषध कि पान भितर कौन दिया हुए पान पत्र भितर 407 कौन जर्दा ना कौन दिया हुए 520 कि एरक नाम जानी तो सब दिया हुए हाँ लोक मैंने कहते कौन हुए आम जीवन को हाँ क्षति करुचे तो आम जाशु निज पाद निजे कुराही मारुचे हाँ तेणु आम दायी तेणु आमर कर्म आमको क्षतिग्रस्त करम आमको भक्तिमयी कर्म करा पड़ो गीतार जीटा तीन टा कर्म कहुची गोटे हूँ कर्म आम कर्म करमर फल कौन सुख एवं दुख कर्मर फल कौन सुख एवं दुख जो कर्म आम सकाम कर्म मान कर्म करके फल पाइबा चेष्टा करे तो कर्म पाई कर फल पाइबार उद्देश्य कौन आमे खाली सुख नवा कर्म करी कर्मर फल हूँ सुख एवं दुख यटा आम जानू कि आम कर्म करचु तेन गीतार कृष्ण कहते कर्मर फल हूँ तुम्हें सकाम कर्म करज इंद्र सुखपाई कर्मर फल भोगापी जमी तुम्हें गोटे व्यवसाय कर लो वस्त्र व्यवसाय करा कर्म तेरे कौन फल कौन ना व्यवसाय लाभ हम किए भोग मालिक झील पुणी भोग तो सीटा सुख किंतु से व्यवसाय गोटे दिन क्षति भी हे गोटे दिन जमी लक्ष टा वर्ष पर वर्ष 10 लाख टकर नुकसान हो गला मंदा बिक्री हलानी सब एमती झड़ बिस्टि के दुर्योग लोक मान टा पैसा सब नष्ट हो गला आ किणवाई किसी ना वस्त्र दुकानी 20 लाख टका नुकसान तेल गोटे वर्ष लक्ष टा लाभ पाइक आनंद आर पर वर्ष 20 लाख टका 10 लाख टका नुकसान हो गला से कार से आनंद से दुखटा किए नब अन्य लोक ने जे कर्म करुवा लोक ने गीतारे कृष्ण कर्म सम्बन्धे ये कहते कर्मर फल प्रति आसक्त हुआना ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देते गृहस्थ धर्म सम्बन्धे युधिष्ठिर महाराज चाहते जानवा को जे आम गृह मूढ़धी जीवन लक्ष्य सम्बन्धे आम जानिना कौन आम जीवन लक्ष्य आम गृह मूढ़धी युधिष्ठिर महाराज
नारद मुनि भाया साधु को पाई हाँ से प्रश्न पचार से चाहे ना हे नारद मुनि मुझे सारा जीवन सारा विश्व राजा हो पारे रुहे यहाँ आशीर्वाद कर युधिष्ठिर महाराज शिखेले साधु पाख को जाकि कौन प्रार्थना कर से चाहे आम आजिकल लोक साधु पाक जा कौन चाहू राजा मैंने जाकि भोट नहीं कौन चाहते मुझे सारा जीवन प्रधानमंत्री की रुहे राष्ट्रपति की रुहे मुख्यमंत्री की रुहे मत आशीर्वाद कर साधु बाबा कहते कि ना मोर झीर बहुत होनी बहुत हो जाए आशीर्वाद कर सारथी बाबा पाक सब लोग दौड़े कहीं कहले मोर एटा हो सेटा हो आसल आम कर्म अनुसार सब हुए सारथी बाबार आशीर्वाद हो नाला सर भंडामी होता हाँ मुझे फंपानी जाती से जाने लोक कहला सारथी बाबा गोटे हाँ गाभी थी सीमेंटर गाभी अनेक क्षीर दौला मैंने केत क्षीर दौले शेष होगापर आ क्षीर चाहिए दौ पार आम मायापुर गोटे साधु बस आमर गोटे एक्सपो मुझे कहली आमर गोटे एक्सपो थी जड़े सीमेंटर साधु याई से लिखाई हाथ पातंतु चरणामृत ग्रहण करतु हाँ तो से ही साधु देह मध्य चरणामृत क्षीर गोल सुंदर ये करा दे कि हाँ चरणामृत कराई रखाई थी गोटे प्रदर्शनी मध्य इलेक्ट्रोनिक जंत्र साको शंख दे कि बस दिखाई सेठी ऊपर लिखाई साधु बाबा सामने रे शंख पाखे हाथ पतंतु चरणामृत ग्रहण करतु सीमेंटर साधु हाँ संगे संगे किए जा हाथ पाटब हाँ आप हाथ में जो आसब पाखक शंख पाखक सेंसर सिस्टम रही आ संगे संगे पटकर हाँ चरणामृत एक चामच पड़ीजी हाँ हाँ तो सफ्टवेयर दिखाई से संगे संगे चरणामृत पान कर मुझे सारथी बाबा से सीमेंट गाभीर ये सफ्टवेयर दिखाई हाँ पचास लिटर एक सौ लिटर पर्यटन जापर तार चाहिए जा मोर दस लक्ष दस लिटर बीस कोड़े लक्ष लिटर लगे देवे किंतु कृष्ण सुरभी गाभी से देदेले हाँ इंद्र गाभी को सुरभी गाभी को नहीं आसते तो ये आम साधु पाक जाकि भंडामी जिनस चाहिए अनित्य जिनस चाहिए टंका दियो रोग भल कर दियो रोगटा तो प्रकृति कर्म अनुसार हम ये जड़ जगत रोगामय जगह आम न चाहिए भी रोग हूँ हाँ सामूहिक भाव औषधी वृक्ष रही भगवान कृपा से किसी सामूहिक भाव में रोगटा जीव कि पुणी आउ गोटे रोग आस जड़ जगत नियम आम एक भल हो गल गोटे डाक्टर भी तो औषध देखिए भल कर दिए सी भगवान हो गले से गुरु हो गले ना सामूहिक भाव गोटे रोग जी आउ गोटे रोग आसव तो से साधु पाक गले कौन चाहिए कह आमको शिखिना आम समस्त इंद्रिय सुख में आसक्त तो से साधु देखले मत गोटे इंद्रिय सुख मोर गोटे झील भल हो गोटे पु हो पु जमी हुए आशीर्वाद कर दि तो से पु तो अनित्य ठीक अच्छे आशीर्वाद पाईल पुआटा जन्म है कांदा हाँ तापर मरीगला तो लाभ कौन है पु चाहल हत पंगु हो जन्मला आखि अंध खोड़ा मानने पंगु से जन्म हो गला पु चाह आसी जा आपणकर बुझ हो गला हाँ चित्रकेतु राजा अंगिरा मुनि पाखे एरक चाहते मोर गोटे पु दरकार मुझे राणी बहुत करणसी पु ना राज्य किए देख मत चित्र राजा को कहले अंगिरा ऋषि भागवत पढ़वे षष्ठ स्कंधे अच्छे कहले ना रे ना तु पु कामना करना यहाँ तोर सुख ए दुख दुईटा हो ना ना से सुख दुख पर आगे सुखट तो हूँ पाइले कि कौन है अन्न राणी मैंने विष देक मारदे आ राजा से दुख तो जगत में आम साधु पाक को जीवा उचित नुहे भगवान मंदिर को जीवा उचित नुहे कौन सी अनित्य जिनस पाइबापी सुंदरी स्त्री टंका पैसा घर बाड़ी गाड़ी हाँ मान सम्मान यही नुह आमर निजर मंगल केमी हम भगवान सेवा करने प्रभु तुम्हें मालिक तुम यह सब जिनस केमी तुम सेवे लगे पारि से मत सा कर से साधु साधु शिखे से महाप्रभु कृष्ण निजे भक्त एक आसिले आचरण कर देखते साधु प्रतिनिधित्व करती भगवान आसिक एमती नुह सी आसिक मनगढ़ाणिया जिनस देवे जमी बली महाराज गुरु थे किए शुक्राचार्य बली महाराज गुरु शुक्राचार्य थे असुर मान गुरु
तो जो बामन देव रूप से भगवान आसिले भिक्षा चढ़ापी बलि महाराज तो दानी थे जा संकल्प करु बलि महाराज गुरु शुक्राचार्य मना कर बलि तु दान देना कहीं देवी मु दानी सब समय दान देक आपड़ तो कही दान देवाई तेज निषेध कर बंद करना जानू से बामन देव किए किए विष्णु हाई विष्णु स्वयं भगवान कौन असुविधा संगे संगे बलि महाराज कह ना से गुरु त्याग तो मैंने यही गुरु जी भगवत सेवार बाधा देवे से गुरु को त्याग शास्त्र कहला जे माता भगवान को सेवा करते जा बंद करेंगे जमी भरत महाराज जे कैके पुत्र भरत रामचंद्र को सेवा करने चिंता किंतु कैके बाधा दौरान ना ना राम कैके पुत्र भरत कौन कले माँ को गाली दे खराब भाषा रे गाली दे तू माँ नुह अन्न किसी भरत महाराज तार माँ को त्याग करदे कैके प्रहलाद महाराज बापा हिरण्यकशिपु ताकू प्रहलाद महाराज त्याग करदे हाँ देवता मान को त्याग करदे खटांग महाराज जागी पत्नी माने तांको स्वामी मान को त्याग करदे कृष्ण सेवार जो मैंने बाधा देवे से त्यागटा हूँ भक्ति बुझे से प्रकृत स्वामी हो प्रकृत पिता हो प्रकृत गुरु हो प्रकृत माता हो प्रकृत देवता हो प्रकृत राजा हो प्रकृत स्वजन हो केत ना कृष्ण भक्ति दान कर कृष्ण आम सेवक आम भूली जाइए बापा माँ शिख जाण एवं पुत्र कन्या को शिख कहीं मो द्वारा से मैंने मोर पु मो द्वारा आसला मुझ खावाक पाऊनी पु भी कष्ट पासी किए दायी मुझे जन्मेली एवं मुझ खावा पाऊनी पु छोट बेला खावाक पाऊनी तो ये कर्म अनुसार ये होती कहीं आम भगवान को भूली जाऊ भगवान को पाइले सब पाई हाँ भगवान को पाइले से सार आनंद हाँ श्रीधर महाप्रभु जन प्रिय भक्त थी श्रीधर से कला मान कदी आदी मोचा आ मंजा थोड़ समस्त कलार पत्र ये सब बिक्री कर निर्वाह जीवन जापन करता है गंगा पूजा करता है विष्णु सेवा करता है आउ रात्रि आ सब समय भगवान नाम करता है बिक्री करी व्यवसाय करी से चलता है गरीब लोक ता घर चाल तारा देखा जाए महाप्रभु चैतन्य देव तक घर को जाइए पा दि तार गोटे पा घटी लुहार सत छिद्र महाप्रभु जा घटी पा नहीं पीऊँच आर पा पड़ जा सीधा जा महाप्रभु कौन कर मो सर्वनाश कर हाँ जे लुहा पात्र छिद्र आप खाई नौ जेहेतु महाप्रभु प्रिय भक्त स्वयं भगवान ता घरे खाऊँ खावाक ना कि सी सब समय भगवान को चिंता कै से तार आनंद बेसी आर अन्न लोक मैंने नदी आर लोक मैंने कौन भावंट ये श्रीधर सारा रात हरे कृष्ण कैर खावाक पाए ना भोक चित्कार कर हाँ अनेक लोक कहते जे मैंने हरिभजन करती भगवान भजन जे मैंने खाते पाती मूर्ख से मैंने जा हरिभजन करेंगे हाँ दान करें तपस्या करें तो यहाँ लोक मैंने जानती भगवत भक्ति जेकोसी लोक करें जेको कूल जन्म हो पारे प्रहलाद महाराज असुर कूल जन्म होती भगवत भक्त महाजन तेना आमर कौन सी द्वंद्व को न जा जे आम कौ कूल कौ वंशरे गरीब ना धनी शिक्षित ना अशिक्षित हाँ राष्ट्रपति ना चषा ना रिक्सा टाणे ये विचार नुहे पूर्व कर्म अनुसार मुझे कितु कौन पाई भगवान को भूली जावाई तेणु मुझे गीता भागवत कहुई तेणु मु कृष्ण नाम करी कृष्ण प्रसाद खाइबि अभ्यास करी ये दामोदर मस अभ्यास करी भगवान ये सुजोग दिखती गोटे गोटे मसने तेणु साधु संग पठाती साधु मानक तेणु आम भक्त संघर जो आलोचना करा ग्रहण करवा तेल आमर सिद्धि हे साधु संघ मैंने सम्यक अनुगमन करवा तो से दामोदर मस माँ जशोदा कृष्ण को सेवा कर कृष्ण तर नित्य पुत्र रूप से ग्रहण कर कृष्ण मोर पुओ भगवान से कि सेवा कर नंद महाराज हाँ गोकुलवासी वृंदावनवासी तांकर केते भाग्य हाँ से मानकर ओहो भाग्यम नंदगोप ब्रजौकसाम हाँ जन्मित्रं परमानंदं
पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हाँ से शास्त्र कहते भाग्य ये नंद महाराज गोकुलवासी वृंदावनवासी मानकर। हाँ तेणु मुझे अनुरोध करी चारिटा जिनस आपण मैंने करेंगे चारिटा आपण मानक किसी त्याग करा पड़ोन। हाँ मुटा जिनस कह शेष करापर प्रसाद हे बा प्रश्न जो था आलोचना करवा तो से चारिटा जिनिस आज सारा विश्वर लोक मैंने कर। हाँ आम जहाँ आलोचना कलु तार जिस्ट मुझे शेष कौच। हाँ चारिटा जिनस कौन ए बी सी डी। हाँ ए रे होची एसोसिएशन माने साधु संघ करवा दरकार। तो साधु संघ आम केमी करवा ना ये कली युग चारि प्रकार साधु प्रशस्त वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत कहते जे कली युग गंगा तुलसी शुद्ध भक्त वैष्णव एवं भागवत ग्रंथ। हाँ ये चारि प्रकार भक्त संघ प्रशस्त तेना आम घरे प्रत्येक घरे कौन तुलसी अच्छी कि ना आपण मान घरे तुलसी अच्छी ना अच्छी तेणु कौन करेंगे ना तुलसी साधु ये कली युगरे तेणु तुलसी कृष्ण प्रिया तेणु झीव पु को लेकर प्रतिदिन हाँ कि समय दस बीस कोड़े मिनिट तुलसी को बस नहीं बसिक घट ए घट ने घरे बसवे चक्र आगे बसिक तुलसी को देखिए। हाँ इटा तुलसी संग करेंगे आज जो स्नान करेंगे गाधे गाधवा समय रे गंगा 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 कह स्नान करेंगे इड़े गंगा ना तेणु गंगा गंगा कह स्नान कले गंगा महात्म्य कहुच कोटि कोटि जोजन रे दूर रे गंगा रहिले भी यदि कि तीन बार तीन थर चित्कार करके जोर रे गंगा 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 समझे कहतु गंगा 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 तो गंगा स्नान फल हो कार्तिक मास रे आमे प्रतिदिन गंगा स्नान कर पारू दूर रहिले भी प्रतिदिन कार्तिक मास कहीं प्रति सारा जीवन आम गंगा स्नान कर पार तेणु गंगा वैष्णवी भगवान चरण धौत जल। हाँ से भी वैष्णवी तेनाली संग हो श्रीमद भागवत ग्रंथ। हाँ प्रभुपाद खूब सुंदर भाष्य दे तेणु प्रतिदिन तेल आम कौन शुणलु ना ये साधु संगे कौन करवा ना प्रतिदिन तुलसी संग में बसिक भागवत संग करवा भागवत ग्रंथ रे अध्ययन करवा कौन कर्तव्य अकर्तव्य रही सेटा मैनुअल बुक ऑपरेटिंग करने ये देहटा गोटे जंत्र जमी टीवी मोबाइल हाँ रेडियो आम सब चलाऊे तो जंत्र तार गोटे ऑपरेटिंग मंत्र बही रही ठीक से बेला ये देह रूपक जंत्रटा को चलने गीता भागवत होची अनुसरणिका कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय रही गीतार कृष्ण कहते किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम शास्त्र प्रमाण कुरुते। हाँ शास्त्र प्रमाण द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य ग्रहण कर बुझे आमको। हाँ से गीता भागवत को लेकर झीव पुव सहित साधु संगे पढ़वे दुई नंबर हो गला ए बी बुक्स रीडिंग सी रे चैंटिंग दि होली नेम ऑफ लॉर्ड कली युगर जुगधर्म आम एत पर्यटन शुणिलु हरिनाम कृष्ण नाम अवतार ए नाम अवतार तेणु ये हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी सामने बसिक हाँ कम पक्षे शहे आठ थर कहे केमी कह समय एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थे है तो झीव पु समेत यह उच्चारण करेंगे आउ बे कहते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दुई थर हो तो यह शहे आठ थर तुलसी सामने रेखा गणिकी बा जपमाला नहीं कि अभ्यास करूँ दीक्षा नुहे अभ्यास जुगधर्म पाड़ापी कली जुगधर्म नाम संकीर्तन से महाप्रभु आसिक हरे नाम हरे नाम एव केवलम एकम्र कलौ नास्तेव 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 कर्म ज्ञान जुग ना एकम्र नाम एव केवलम हरिनाम ही जप कीर्तनीय बुझिपार तेणु झीव पुव को लेकर शहे आठ थर कहे शुणी शुणिक हृदय आईना परिष्कार हम से आम देखा मु कृष्ण दास मु नुहे जड़े चाषी जड़े मोटा बा पतला बा रोगी बा धनी बा गरीब सुंदर बा सुंदरी बा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना मु देह मध्य आत्मा भगवान चाकर तांकर सेवा करवा मोर परम कर्तव्य यही उपलब्धि हे आईनार देखिए से हरिनाम द्वारा चित्तरूप आईना परिष्कार हुए आउ ये हरिनाम शुद्ध भाव निरपराध कले प्रेम भक्ति लाभ हम भगवत धाम को फेरी जाए। हाँ ये नाम हो साधन
আর এই নাম হচ্ছে সাধ্য। যাহা করিবার দ্বারা প্রাপ্য বস্তু কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন সেটা আমি পাইপারিবা, তেমনি এই নাম সাধন তুলসীকে সঙ্গে ভক্ত সঙ্গে করবে। আর যেত ভক্ত যে আচরণ করতে সে সহ বসিকি বি জপ করবে। হ্যাঁ, আর যেতবে কৌশি ভক্ত আচরণ করুবা ভক্ত গীতা ভাগত মানতি, হ্যাঁ প্রসাদ খাঁতি, হরিনাম করতে, কৌশি অবৈধ সঙ্গ করতে, নিশা করতে, সে যে কি গৃহস্থ হয়েপরে, সন্ন্যাসী হয়েপরে, ব্রহ্মচারী হয়েপরে, গোটে পিলা হয়েপরে, হ্যাঁ গোটে স্ত্রী লোক হয়েপরে, কিন্তু সে যদি পাড়ুবে গীতা ভাগবতর নির্দেশ কু সে হচ্ছে বৈষ্ণব, তাঙ্ক সঙ্গে বসিকি আমি জপ করে পার, তাঙ্ক সঙ্গে বসিকি গীতা ভাগবত শুণবা, তাহলে সেটা ভাগবত শ্রবণ হব, নহলে কোটি জন্ম যদি কর শ্রবণ কীর্তন তবে না পায়ে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন মিলবনি। ভাড়াটিয়া পাঠক নিয়ে আসবা বক্তা, হ্যাঁ আজকাল বক্তা ভড়াটিয়া, হ্যাঁ মর এত লক্ষ টঙ্কা লাগবে সাত দিন পাই তাহলে মু যাবি, তাহলে সে কোন প্রচারক ভগবানকর, ভগবান গীতার কোজেন মো নাম প্রচার করিব, সে মোর প্রিয়, আর বদ্ধজীব মানে এই ভগবানকর নাম গ্রহণ করিকি মুক্ত হবে, তাহলে কি সে পর উপকারী না নিজের ইন্দ্রিয় সুখ পাই লক্ষ টঙ্কা নহলে ভাগবত কহিবিনি, তাহলে সে প্রতারক। এইরকম বক্তা মানুষ পাখু শুনলে আমি বি প্রতারিত হব, সারা জীবন শুনবা, লোকরঞ্জন হব, মনোরঞ্জন হব, তো সেপাই আপন মানে নিজে আচরণ করতু আস্তে আস্তে করি এবে শুরু করতু করি অভ্যাস করতু করি ভক্ত হয়েকি নিজ গাঁরে লোক শিখতু, এবং সে শিখবে সে কে পরস্পর মধ্যে ভাগবত সঙ্গ হরিনাম এইভাবে এ বি সি ডি ডি মানে ডায়েট খাদ্য কোণ খাইবা, তেমন মনুষ্যর খাদ্য শাগ সবজি গীতারে কৃষ্ণ পত্রম পুষ্পং ফলম ত্বয়ম পশুপাক যে মানে বাঘ সে মাংস খাইবে, কিন্তু আমি জানিনু খাওছু ঠিক আছে খাঁতু, কিন্তু অভ্যাস করতু না এটা মোর খাদ্য নুহে, মু গোটে মৃত শবক খাওছি, মৃত শব যেত কে মরি যায় আত্মা চালে যায় সেটা শব হয়ে যায়, সেটা অপবিত্র হয়ে যায়, তাকে ছুঁলে স্নান করা পড়ে, গাধোবা পড়ে, গোবর দিয়ে মাজবা পড়ে, কিন্তু আমি কোণ শবগুড়ি বজারু কিনি কিনি আনিকি ফ্রিজে রেখিকি খাওছে পচাই পচিকি বাঘ ভিয়া, সেটা ঠিক না, তো আমি জাণিনু করছু ঠিক আছে, কিন্তু আমি অভ্যাস করা এটা কমিটি যাব আপে আপে যাবনি, মুহলে আপনার ছাড়বে কলে ছাড়িপারে, তো বিদেশী মানুষ কমিটি গল গীতার গোটে কথা কুহাইছে, বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরহারস দেহীন রসবর্জ রসপিয়স পরম দৃষ্ট নিবর্তন্তে, যেতলে ভাল স্বাদ পাইবে সেতলে আপে আপে খারাপ জিনিসটা যাব, যেত গুড় খাওছেন আখু গুড় রসগোল্লা পাইগলে আখু গুড় ভালো লাগবে না, গোটে ভঙ্গা ঘরে রয়েছেন বৃষ্টি পড়লে মোর ঘর, কিন্তু পাশে গোটে ভালো ঘর হয়ে গেল বৃষ্টি হাওয়া আসলা সঙ্গে সঙ্গে না সেই ঘরক চাল আরক আসবে না না যাবিনি, ঠিক সেইভাবে ভালো জিনিস হচ্ছে এই ভগবত সঙ্গ ভগবানকর নাম পবিত্র সেটা আমি জানিনু ভাঙ্গা জিনিসের রয়েছে, তো ভালো জিনিসের অভ্যাস করিবা করু করু একদিন একটা স্বাদ আসব আপে আপে এই মৎস্য মাংস চালিয়ে যাব, আপনার ছাড়িপারে কিন্তু এটা চালিয়ে যাব, কিন্তু জানিবা দরকার এটা কোণ মোর খাদ্য নুহে প্রশ্ন করা দরকার মানুষ জীবনের, তেমনি এই অভ্যাস করা মু অনুরোধ করছি ডায়েট খাদ্য, তেমন মাঝে মাঝে ভক্ত মানুষ ডাকিকি রাঁধিকি ভোগ লগি যেমন আজি এটি প্রসাদ বিতরণ হব, এই যে গোটে গোটে দিন আমি পাইবা আস্তে 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 কু অভ্যাসগুলোর প্রতি যে আসক্তিটা আপনি আপনি পড়ে যাব, বুঝিপারছেন, সেটা অভ্যাস করা পড়ব, হ্যাঁ ভালো জিনিস পাইবা কে, তেমন মু এই চারটা জিনিস কহিলি আপন মানে অভ্যাস করতে এ বি সি ডি, তারপরে ই আসে এ বি সি ডি পরে ই, ই মানে এক্সটেসি দিব্য আনন্দ, আমি যে আনন্দ চাহুলু সেটা অবশ্য আমি পাইবা, যা আজি সারা বিশ্বের লোক হ্যাঁ পাচ্ছেন জগন্নাথ কৃষ্ণ নাম এসব করিকি, তো গীতা ভাগবতর এইসব কথা আলোচনা রয়েছে সেটা বক্তা মানে কহিবে ধরি দেবে খালি লাশলীলার কথা কহবে মনোরঞ্জন করবে লোকরঞ্জন করবে টঙ্কা নেবে চম্পট, কিন্তু আমি এইভাবে যে কি শাস্ত্রের কোণ পাড়া কী সে পাড়তে না সে চা খাইবে পান খাইবে শাস্ত্রের ধরা পড়ে যাব, হ্যাঁ সেইপাই সেই কথা কহবে কলির স্থানের কথা কহবে প্রথম স্কন্ধরে রক্ষা আছে, আমি প্রথমে ভগবানকর পাদ দর্শন করা দরকার, প্রথম স্কন্ধ শুণবা দরকার ন শুনিকি দশম স্কন্ধ রাসলীলা, কিন্তু আমি ইন্দ্রিয় সুখের আসক্ত আর কৃষ্ণ রাধাপতি আমার প্রাকৃত জ্ঞান স্বামী স্ত্রী জ্ঞান আসব অপরাধ হব আবার নরককে যা, তো সেই মোর অনুরোধ ভিক্ষা আপনার চরণরে এই নিতাই গৌরঙ্কর কৃপা, হ্যাঁ সারা বিশ্বের আজ প্রচারিত হচ্ছে, হ্যাঁ শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কন প্রতিষ্ঠা করিকি সারা বিশ্ব লোককে এই গীতা ভাগবত শিক্ষা নিজে আচরণ করি শিখাইছেন, তেমন আপনার মানে ক্রমান্বয়ে করতু এই গাঁরে নামহট্ট সংঘ গঠন করতু
আমার অনেক লোকাল ভক্ত অছন্তি এটা আমার যে ব্রজবাসী প্রভু আগে না কোন ছিল হ্যাঁ বিরঞ্চি ভুই আপনারা জানেন শিক্ষক সে চাকরি করছন্তি দেখন্তু তাঙ্ক ঘরে যাবে তাঙ্ক দুইটা ঝিও দেখ প্রতিদিন আমি দেখছে মন্দির করাইছে আরতি করছন্তি গীত গাউছন্তি ভোগ রন্ধুছন্তি প্রসাদ করছন্তি চাকরি করছন্তি চাকরি করলে যে ভগবান সেবা হবে না তা নুহে যে কোনসি কর্ম গীতারে কৃষ্ণ কইছে সর্বকর্মানি অপি সদা কুর্বান মত ব্যাপাশ্রয় মতে আশ্রয় করিকি সবু কর্ম কর সেইপা গীতা ভাগবত এটা আমার ম্যানুয়াল বুক আমাকে পরিচালিত করছন্তি শাস্ত্র মানে শাসন করিকি রক্ষা হব আমি পালিলে রক্ষা পাইবা আর ন পালিলে পুনি জন্ম পুনরপি জন্মম পুনরপি মরণম পুনরপি মাতৃ জঠরে সেন আবার সেলকু যা জেলকু তো সেইপা বুদ্ধিমান হওয়া দরকার মানুষ জীবনের এই আমি শিক্ষা স্কুল কলেজ পড়ুছে কিন্তু খারাপ জিনিসকে চলে যাচ্ছে তেমন মোর অনুরোধ এই চারিটা জিনিস এ বি সি ডি করলে ই এক্সটেসি দিব্য আনন্দ যেটা আমি চাহুছু সেটা আমি পাইব কিন্তু যে জায়গায় আমি চাহুছু সেটি পাইবুনি কিন্তু এটা অভ্যাস করলে কৃষ্ণ ধামকে নিয়ে যাবে এটি করলে অভ্যাস আমি আনন্দ পাইবা কিন্তু আমি ভগবত ভগবানকে গ্রহণ করলে তাহলে আনন্দ পাইবা এবং চিনময় আনন্দরে আমি ভগবত ধামকে ফেরি যাই পাইবা তেমন এই দামোদর মাসরে আপনার মু অভ্যাস করা অনুরোধ করবি ভোররে উঠবে দামোদর মাসর কৃপা পাইযে এই কার্তিক মাসর বার তারিখ পর্যন্ত অর্তিক মাসের ভোররে উঠিকি স্নান করবে যদি গঙ্গা না গঙ্গা গঙ্গা কী স্নান করবে থরে কৃষ্ণ হ্যাঁ তা সত্যভামা ঘরে বসলে তো আলোচনা করছেন সত্যভামা ও কৃষ্ণ দ্বারকারে তো করু করু সত্যভামা মাতা কৃষ্ণকে পচারে হে কৃষ্ণ মু তুমি কমিটি স্বামী রূপে পাইলি কুহত তুম ভিয়া স্বামী মতো কুহত তো কৃষ্ণ সেতু কহিলেন দেখ তুমি পূর্ব জীবনের তোমার নাম লা গুণবতী হরিদ্বার হ্যাঁ তোমার ঘর লা হ্যাঁ দেবধর্ম নামে তোমার পিতা লা হ্যাঁ দেবশর্মা দেবশর্মা নামে তোমার পিতা লে আুম অত্রি মুনিকর কূলরে এই দেবধর শর্মা তাঁকর ঝিও রূপে তুমি আসছিল গুণবতী তোমার নাম লা তুম বাপার আর কোণী পুয় লানি সেইপা তুম বাপা কন কলে না তুমি তাঁকর জন শিষ্য হ্যাঁ ব্রাহ্মণ পুত্র লে চন্দ্র তা সহিত বিবাহ দিয়েদেলে আর সে সময় সেই চন্দ্র বি তুম ঘরে রুলে আর সেটি তুমি স্বামী স্ত্রী আর তুমি ছোটবেলা তুম বাপা গঙ্গা স্নান করতে একাদশী ব্রত পাড়ুতি ধর্ম আচরণ করতে কার্তিক ব্রত করতে তুমি তুম বাপা দ্বারা হ্যাঁ সবু সময় শিখি দেখ এই হচ্ছে বাপা ছোটবেলা কন্যাকে বি গঙ্গা স্নান গাধেবা হ্যাঁ ব্রত করা একাদশী ব্রত করা তুলসী সেবা করাইবা সেই দেবশর্মা সব শিখাই তো তারপরে সেই গুণবতীকে কৃষ্ণ কহিলেন হ্যাঁ তো তারপরে কন না বিবাহ হওয়ার পরে তোমার স্বামী তুম ঘরে রুলে তো সেইটি তাঁর পুত্রবত রয়েছে আর তুম বাপাকে সে ভালো সেবা করলে হ্যাঁ পুয় ভিয়া কিন্তু গোটে দিন তোমার স্বামী আমার বাপা বনকু যাইলে কিন্তু ফল মূল কাঠ সংগ্রহ করা ভগবান তো সেটি গোটে দানব আসছিল বড় দানব তো তাঁকু দুইজনকে হত্যা করেদেলা কিন্তু হত্যা করার সময় সে যেহেতু ভক্ত লে মর তেমন সে মর নাম স্মরণ করছেন আর সেতবে সে মো লোককে বৈকুণ্ঠকে ফেরি আসলে সে বৈকুণ্ঠে বাস কলে আর তুমি সেতবে জাঁল তোমার বাপা ও স্বামী মরি যাই তেমন তোমার সাধ্য মতো শ্রাদ্ধ করল ঘরে সব বিক্রি করি আর তুমি ছোটবেলাঠু যেহেতু কার্তিক ব্রত তুলসী সেবা একাদশী ব্রত করুথাও তো সেই সময় কার্তিক ব্রত লা কিন্তু তোমার প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করছিল কিন্তু তোমার শরীরটা জ্বর লা খুব দুর্বল হয়েছিল কিন্তু তোমার ব্রতটা এমিতি লা তুমি কোণী দিন গঙ্গা স্নান হরিনাম করা তুলসী সেবা করা বন্ধ করু নথাও তো এই কার্তিক মাসরে তুমি কোণ করছো না ভোর বেলা সূর্য উদয় পূর্বরু ব্রহ্ম মুহূর্তে গঙ্গা স্নানকে যাই সেই জ্বর অবস্থায় শরীর কম্পু লা আহ নলে কিন্তু জলর যেতলে পাদ উলাইছ সেতলে তুমি কম্পিবাকু লাগিছিল থন্ডা জলর শৈত্যতা কম্পিবা দ্বারা তুমি পড়ি যাইছ জল মধ্যে পড়ি যাওয়া দ্বারা তোমার দেহত্যাগ হয়েছে আর যেত দেহত্যাগ হোক সেতলে যেহেতু তুমি কৃষ্ণ নাম বিষ্ণু নাম স্মরণ করছ তো গঙ্গার যেত তুমি দেহত্যাগ হোচি সেতলে বিষ্ণু দূত মানে আসলে আর তুমি বৈকুণ্ঠকে নিয়ে গেলে তো বৈকুণ্ঠ নিয়ে আসি তুমি মো পাখে রাখলে আনিকি তোমার স্বামী তোমার বাপা বি বৈকুণ্ঠে আসি বসবাস কলে কিন্তু থরে পৃথিবী রাজা মানে এই পৃথিবী পক্ষে খুব কষ্ট দেওয়া লাগলে সব হরণ করা লাগলে
ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନେ ଯାଇକି ହଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆରାଧନା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଯିବି, ହଁ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି, ତୁମେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଅ। ତ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଲୀଳା କଲି ସେତେବେଳେ ତୁମର ପିତା ହଁ ସେ ଦେବଶର୍ମା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସତ୍ରାଜିତ ରାଜା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଆର୍ ତୁମେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସତ୍ୟଭାମା ନାମରେ ତୁମେ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲ। ହଁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ କି ନାମ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣତେ ଯାଇଥିଲେ ଅକ୍ରୁର, ଅକ୍ରୁର ରୂପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ସେବା କରିଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲ। ଜୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମାହାତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଲେ ବି କୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠି କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଦାମୋଦର ମାସ କି ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳା କି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ନେବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହଁ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନି, ହଁ ଭୁଲ ହେଉଥିବ ହେଉଥିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ବୁଝି ନପାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯାହା ତା ମଧ୍ୟରେ।